एक ओर तो शासन की अनेक योजनाएं गरीबों को लाभ पहुंचा रही हैं, वहीं दूसरी ओर धार के उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री योजना में दलाली ने गड़बड़ी मचा रखी है, जिसके कारण योजना के हितग्राही नितिन को फजीयत हो गई और नितिन ने उद्योग विभाग से शासन की योजनाओं के अंतर्गत लोन के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसके बाद उद्योग विभाग में 5 से 10% पर लोन करवाने वाले एजेंटों ने बाले बाले ही नितिन का लोन सैंक्शन करवाकर हड़प कर लिया। मामले की जानकारी नितिन को तब मिली जब उसके घर बैंक से नोटिस आया जिसमें लिखा था आपके लोन की किश्त बाकी है, आप समय पर लोन की किश्त भरें। बैंक के नोटिस के मिलते ही नितिन ने संबंधित फर्म के मालिक से बात की जिस फर्म का उसने कोटेशन लोन के कागज में लगाया था, परंतु उस फर्म के मालिक का कहना था कि मैंने 5 लाख निकालकर कविश नाम के व्यक्ति को दिए हैं। अनुराग की इस बात को नितिन ने अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद नितिन ने इस पूरे मामले की शिकायत जनसुनवाई के दौरान धार कलेक्टर और धार पुलिस अधीक्षक को की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उस आवेदन पर जांच शुरू कर दी जो आज तक जारी है। मामले को बढ़ता देख गौरी इवेंट फर्म के मालिक अनुराग गुप्ता 2.5 लाख रुपए बैंक को वापस कर देते हैं और एक बिल लगाया जिसमें 2.5 लाख रुपए का सामान नितिन को देना बताते हैं। हितग्राही नितिन द्वारा उस बिल को गलत बताया और साथ में यह भी बताया कि मेरे पास गौरी इवेंट फर्म से कोई सामान नहीं मिला है। साथ ही नितिन ने हमारी टीम को बैंक में लगाया हुआ बिल उपलब्ध कराया, जिसे देखने के बाद उस बिल पर भी सवाल उठ रहा है। इस बिल में जो टोटल अमाउंट दर्शाया गया है वह बिल में दिए गए मटेरियल की राशि के योग से भिन्न है। इसके बाद बैंक से एक नोटिस और नितिन के घर आता है जिसमें किसी लोकेश जाट के द्वारा लोन लेना बताया। जब इस नोटिस के बारे में बैंक मैनेजर मनोज कुशवाहा से टीम द्वारा पूरे मामले में बात की गई तो उन्होंने गलती से नाम नोटिस में लिखाना बताया, जिसके बाद भी बैंक द्वारा उस नोटिस में संशोधन तक नहीं किया गया, जो एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या नाम है आपका? नितिन कौशल। आपने CM हेल्पलाइन में शिकायत की है, जनसुनवाई में शिकायत की है, क्या परेशानी है आपके और क्यों परेशान हो? सर, मेरे नाम पे कुछ लोगों ने बैंक से फर्जी लोन निकाल लिया है और अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। मैं बैंक के चक्कर खा रहा हूँ और बैंक मैनेजर सामने वाला जो कोटेशन है गौरी इवेंट वाला, उसको कहता है कि तुम उससे जाके निराकरण करवा लो। उसने 5 लाख रुपए का फर्जी कोटेशन लगा लिया था और वो रुपया पैसा उनने कोई सामान नहीं दिया है, मेरी कोई दुकान नहीं और मैंने कोई लोन लिया नहीं है, और ये इन लोगों ने जालसाजी पूर्वक मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। और मेरा खाली 50,000 रुपये का लोन का बात हुआ था वो पर्सनल, उस पर मेरा 10 लाख का फाइल लगा हुआ था जो कि रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद से इन्होंने 5 लाख रुपए उसी फाइल पे निकाल के और मेरे को 5-6 महीने से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। कौन कौन है धमकियां देने वाले और प्रताड़ित करने वाले, उनके नाम बताएं? कविश पिता कैलाश पचानी, कुलदीप पिता सुभाष पांडे, अनुराग पिता गोपाल दास गुप्ता और उसका अनुराग का भाई बड़ा वाला गौरव पिता गोपाल दास गुप्ता। आपने हमें एक रिकॉर्डिंग दी है जिसमें उद्योग विभाग का ही एक कर्मचारी बोल रहा है कि हमारे यहाँ साहब ने पांडे से और कविश से 50,000 रुपये ले लिए हैं और उनको भी खरीद लिया है, क्या ये सही है? जी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये सही है, क्योंकि मैंने आवेदन दिया था उद्योग विभाग में तो मेरे को कम से कम वहाँ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, और मैं जब गया था तो उन्होंने भी कह दिया कि भैया बोले हमने बैंक को फॉरवर्ड कर दिया, तुम्हारे घर हम लेटर पहुँचा देंगे, मेरे यहाँ पर कोई सूचना पत्र आया नहीं। एक और चीज़ उसमें इस निकल कर सामने आई कि जो रजिस्ट्री वो फर्ज अपना स्टाम्प लगा हुआ है जो शपथ पत्र, उस शपथ पत्र में आपके हस्ताक्षर हैं? नहीं, मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं, मैंने कोई शपथ पत्र बैंक में दिया नहीं है। शपथ पत्र मैंने गौरी इवेंट के यहाँ से फोटो कापी मैंने पढ़ी थी, फिर मेरे को ज्ञात हुआ कि उस पर 17 तारीख को किसी ने खरीदा है, 18 तारीख की उसमें टाइपिंग है और 21 तारीख मुहर्रम के दिन जिसमें हिंदुस्तान में पूरी छुट्टी रहती है, कोर्ट न्यायालय बैंक परिसर सब बंद रहता है, वो दिन पता नहीं किसने नोटरी कर दी है। और परसों बैंक मैनेजर हमारे घर आए थे किस्त लेने, तो हमने उनको स्पष्ट कह दिया कि सर मेरा लोन का निराकरण वो गौरी वाले से आप करवा दो जल्दी से जल्दी। और मैंने कहा सर वो शपथ पत्र का जो है मैंने नहीं दिया है, तो वो भी कह रहे थे कि बोले हमको में कोई जानकारी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं शपथ पत्र का, बोले तुम तो किस्त भर देना। तो मैंने सर मेरे तो लोन लिया नहीं, आप गोरी वाले से जाके बात करो, और मैं उसके FIR कर रहा हूँ थाने पे और उसका जो भी प्रकरण है निराकरण है थाने पे चल रहा है, RC पटेल जांच कर रहे हैं उस मुद्दे की। उस शपथ पत्र में आपके हस्ताक्षर नहीं है? नहीं, नहीं, कहने का मतलब नहीं, फर्जी हस्ताक्षर नहीं सर। और उस शपथ पत्र में किसी ने यह भी लिखवा दिया है कि नितिन कौशल के द्वारा शुरू से जब से लोन लिया जब से किस्तों का भुगतान समय समय पे किया जा रहा है, अगर ये बात सत्य है तो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड दे दे कि मैंने कब कब किस्तें आके भरी है और 6 महीने में आज 40-50,000 रुपये होता है उसकी एंट्री मेरे को दे दे। उसने फर्जी स्टाम्प लिख दिया, फर्जी कथन लिख दिया है कि मेरे द्वारा सुचारू रूप से नियमित रूप से लोन की किस्तें अदा की जा रही है। यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ तक की लड़ाई लड़ेंगे? सर जो भी होगा अदालत से, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय
और उसके बाद कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, जो भी है उद्योग विभाग में जो है, जो बैंक ऑफ इंडिया के जो आंचलिक हेडक्वार्टर है वहाँ मैं जाऊँगा, खुद ही जाऊँगा मैं किसी भी करके। आपका नाम बता दें। नितिन कौशल। वहीं बैंक मैनेजर द्वारा एक शपथ पत्र का जिक्र किया जो नितिन के नाम से है, परंतु नितिन ने उसे नकार दिया और कहा मेरे द्वारा ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस शपथ पत्र की शिकायत भी मेरे द्वारा की गई। जब टीम द्वारा उस शपथ पत्र की हकीकत खंगालने के लिए स्टाम्प विक्रेता से संपर्क किया गया तो उसका कहना था कि मुझसे ये स्टाम्प कुलदीप पांडे नाम का एक व्यक्ति लेकर गया था। इसके बाद जब शपथ पत्र की नोटरी करने वाले व्यक्ति से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं दिन भर में इतनी नोटरियां करता हूं, किसकी शक्ल याद रखूं। टीम द्वारा जब की गई नोटरी की जानकारी रजिस्टर में देखने की बात कही गई तो रजिस्टर में एंट्री नहीं होने की बात सामने आई। टीम द्वारा जब नितिन के द्वारा दी गई तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना गया तो उन रिकॉर्डिंग में चौंका देने वाली आवाज़ सुनाई दी, जिसमें अपने आप को उद्योग विभाग का कर्मचारी बताते हुए वह बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम नितिन कौशल ही है ना, तुम्हारे ही लोन का मामला चल रहा है, तुम्हारे मामले में दो लड़के आए थे और मुझसे कह रहे थे कि इसको शिकायत करने दो, मैंने तो शुक्ला जी को यहाँ विभाग में है उनको भी खरीद लिया है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उद्योग विभाग के इस अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो इन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं हूं और आप पहले नियम देख लें। वहीं गौरी इवेंट फर्म के मालिक अनुराग गुप्ता से मामला जानना चाहा तो उन्होंने सीधे कह दिया कि आप मेरे वकील से बात करना, मामला कोर्ट में है। आपको बता दें कि मामले में आ रहे दो और नाम कुलदीप और कविश से इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे मामले में बहुत से पहलुओं का उजागर होना भी बाकी है। शासन की योजनाओं में चल रही इस धांधली से अंदाज लगाया जा सकता है कि इन योजनाओं को कमीशनखोरों ने धंधा बना रखा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।